उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तक नहीं पहुंच पाते अगर बाल ठाकरे ने तब उन्हें बचाया नहीं होता, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने 25 से 30 वर्षों तक एक राजनीतिक नेतृत्व की रक्षा की, लेकिन भाजपा एनडीए के पूर्व सहयोगी शिवसेना और अकाली दल को नहीं चाहती। उन्होंने मुंबई में उत्तर भारतीयों की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भाजपा से अलग हो गया, लेकिन मैंने कभी भी हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ा। भाजपा हिंदुत्व नहीं है, हिंदुत्व क्या है? उत्तर भारतीय इसका जवाब चाहते हैं। एक दूसरे से नफरत करना हिंदुत्व नहीं है। ठाकरे ने भाजपा पर हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25 से 30 साल तक शिवसेना ने राजनीतिक मित्रता की रक्षा की। हिंदुत्व का मतलब हमारे बीच गर्मजोशी है। भाजपा वाले किसी को नहीं चाहते थे, उन्हें अकाली दल और शिवसेना नहीं चाहिए थे। ठाकरे ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी को राजधर्म के पालन करने की बीच वाजपेयी की नसीहत का संदर्भ देते हुए कहा कि यह बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने वर्तमान प्रधानमंत्री को तब बचाया था जब वाजपेयी जी चाहते थे कि राजधर्म का सम्मान करें, लेकिन बाला साहब ने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया कि यह समय की ज़रूरत है, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मोदी यहां कभी नहीं पहुंच पाते। गौरतलब है कि वाजपेयी ने राजधर्म की नसीहत वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी को दी थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना के संस्थापक ने कभी भी नफरत नहीं पाली। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू होने का मतलब कभी भी ये नहीं कि केवल मराठी होना और उत्तर भारतीयों से नफरत करना। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर नहीं किया। उनका यह मानना था कि जो लोग देश के खिलाफ काम करते हैं, चाहे धर्म कुछ भी हो, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व है। भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। मैं भाजपा के हिंदुत्व का मैं विश्वास नहीं करता हूं। ठाकरे ने कहा कि वो अपनी गरिमा की रक्षा के लिए भाजपा के साथ गठबंधन से बाहर चले गए और 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस से हाथ मिलाया। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मैं भाजपा के पास होता तो वो मेरे गले में पट्टा डाल के गुलाम बना चुके होते हैं, जैसे कि आजकल कुछ लोग गुलाम बने हुए हैं। ठाकरे ने कहा कि वो मुझे बदनाम करने के लिए कैंपेन चला रहे थे। जब भी मैं उत्तर भारतीयों या मुसलमानों से मिलने की कोशिश करता तो मेरे हिंदुत्व के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आपसे मेरी मुलाकात की आलोचना की जाती है, अगर मैं मुसलमानों से मिलता तो यह कहा जाता कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। लेकिन कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे तो किसकी रसोई में गए थे? अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे हिंदू विरोधी कहा जाता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं या करते हैं तो उनको कहा जाता है कि उनका दिल बड़ा है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे मन में बोहरा समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं है। बता दें कि 10 फरवरी को नरेंद्र मोदी अपनी मुंबई की यात्रा के दौरान बोहरा समुदाय के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान अरबी अकादमी के परिसर के उद्घाटन में पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि वो समुदाय के एक परिवार के सदस्य के रूप में यहां आए हैं। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं को जगाने का काम किया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश से प्यार करने वाले मुसलमान भी आज हमारे साथ हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।